आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दो मीम कॉइन्स के बारे में। दोनों ही मीम कैटेगरी के टॉप के कॉइन आप कह सकते हो। टॉप में तो आपको पता है शिबा इनू है, डॉज कॉइन है, बेबी डॉज कॉइन है, ये कॉइन टॉप के हैं। लेकिन इनके अलावा भी जो इनसे नीचे आते हैं वो भी कुछ कॉइन्स हैं, और आज हम ऐसे ही दो मीम कॉइन्स के बारे में बात करने वाले हैं। और बात करने वाले हैं क्या इन दोनों मीम कॉइन्स की आने वाले टाइम में कोई बड़ी एक्सचेंज पे लिस्टिंग होने वाली है। समझना जरूरी है, आपने देखा होगा पिछले 10-15 दिन के अंदर पहले हुआबी ग्लोबल के ऊपर बेबी डॉज कॉइन को लिस्ट किया गया। मतलब हुआबी ग्लोबल ने जैसे ही अपडेट दिया, बेबी डॉज कॉइन एक मीम कॉइन है, बेबी डॉज कॉइन की कम्युनिटी बड़ी है, ठीक है, लिस्ट कर दिया, अपडेट आ गया वहां पे, और अपडेट आया तो 30% से भी ऊपर इंक्रीज हुआ था बेबी डॉज कॉइन उस टाइम पे। और अभी रिसेंटली ही फ्लॉकी इनू को भी लिस्ट कर दिया, किसने, हुआबी ग्लोबल ने। हुआबी ग्लोबल ने सेकंड लिस्टिंग कर दी दूसरे मीम कॉइन की। ये भी मीम कैटेगरी का टॉप का ही कॉइन है, और इसके अगर फ्लॉकी इनू के होल्डर की बात करें 3,50,000 के अराउंड जो है इसके होल्डर्स हैं, और दोनों की लिस्टिंग हुआबी पे हो चुकी है। और यहाँ पे अब अगला नंबर किसका है ये जानना बेहद जरूरी है, और जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब दोनों कॉइन लिस्ट हुए तो फ्लॉकी इनू के प्राइस में भी 30% तक के इंक्रीज थे, और यहाँ पे 30% का बेबी डॉज कॉइन ने भी इंक्रीज दिखाया था। तो अगर हम पहले ही समझ जाएं कि किसी एक्सचेंज के ऊपर लिस्टिंग होने वाली है तो हम खुद से अपना डिसीजन ले सकते हैं। और बहुत सारे कॉइन्स के, बहुत सारे लोगों के पास किशू इनू और डॉज इलोन मार्क्स की भी होल्डिंग्स हैं, और बहुत टाइम से होल्ड कर रखा है, बहुत पहले से होल्ड किया हुआ लोगों ने। और अगर मैं आप इन दोनों का कॉइन का इंट्रोडक्शन दूं, यहाँ पे दोनों ही कॉइन मीम कॉइन है। डॉज इलोन मार्क्स के प्राइस की बात करें तो 6.0 इसके प्राइस में आ रही है, और किशू इनू के प्राइस की बात करें तो 8.0 इसकी प्राइस में आ रही है। मतलब बेबी डॉज कॉइन के प्राइस में भी 8.0 है और किशू इनू के प्राइस में भी 8.0 है। ये कुछ दोनों की सिचुएशन है। इसके अलावा अगर हम बात करें होल्डर की, यहाँ पे 1,30,000 होल्डर हैं डॉज इलोन मार्क्स के, और किशू इनू के होल्डर की बात करें तो 2,50,000 के अराउंड यहाँ पे जो है किशू इनू के यहाँ पे होल्डर हैं। ये कुछ करंट सिचुएशन अभी इन दोनों कॉइन्स की है, और ज़्यादा कोई इंक्रीज नहीं है। आपने देखा दिसंबर से जब से मार्केट के अंदर क्रैश आया तो इन दोनों कॉइन्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा है, और किशू इनू की कोई बड़ी अपडेट नहीं आ रही है, जिसकी हमने पहले कुछ दिन पहले बात भी की थी किशू इनू के बारे में। और डॉज इलोन मार्क्स, आपको पता है डॉज इलोन मार्क्स की सिचुएशन वैसी है, लेकिन डॉज इलोन मार्क्स अच्छा कर सकता है फ्यूचर में, दोनों मीम कॉइन्स हैं, और इनकी लिस्टिंग अब हुआबी ग्लोबल पे हो सकती है, किसी की भी हो सकती है, या तो डॉज इलोन मार्क्स हो सकता है अगला, या किशू इनू हो सकता है, और दोनों की ही लिस्टिंग हुआबी ग्लोबल कर सकता है। और जैसे ही लिस्टिंग होगी, जो लिस्टिंग हो चुकी है हुआबी पे दोनों की, बेबी डॉज कॉइन और फ्लॉकी की, उनका रास्ता खुल रहा है बाइनेंस के लिए, ठीक है। अब इनकी लिस्टिंग होगी तो इनका भी रास्ता खुलेगा और एक्सचेंज के लिए, कॉइन बेस, कूकॉइन, उनका भी रास्ता खुलेगा, कॉइन बेस, कूकॉइन, जिसके बारे में हमने डिस्कस कर चुके हैं। मतलब एक टॉप की एक्सचेंज जो टॉप 10 में आती है, अगर वो लिस्ट कर देती है एक मीम कॉइन को, यहाँ पे चांसेस हो जाते हैं कि और भी कॉइन्स उन एक्सचेंज पे लिस्ट हों, या और बाकी की जो टॉप एक्सचेंज है उन पे लिस्ट हों जो लिस्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। कहने का मतलब यही है, जो कॉइन्स हुआबी पे लिस्ट हो चुके हैं वो और भी टॉप की एक्सचेंज पे लिस्ट हो सकते हैं, और जो लिस्ट हुआबी पे नहीं हुए हैं वो भी लिस्ट हो सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा ये जो दो कॉइन मैं आपकी बात कर रहा हूँ, डॉज इलोन मार्क्स और किशू इनू, ये नेक्स्ट हुआबी पे ही लिस्ट हों सबसे पहले, या किसी और टॉप एक्सचेंज पे भी लिस्ट हो सकते हैं, और हो सकता है ना भी हों, और होंगे तो शायद थोड़ा लेट भी हो जाए, डिले भी हो जाए, लेकिन लिस्टिंग हो सकती है, ये चीज़ यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं कर रहा हूँ कि आप इन दोनों कॉइन्स को ले लो। बहुत सारे लोगों के पास इनकी होल्डिंग्स हैं और मीम कॉइन है, तो अगर आप 100 रुपीज़, 500 भी इन्वेस्ट कर रहे हो, SIP कर रहे हो पर मंथ, तो बहुत बढ़िया ऑप्शन है, दोनों ही कॉइन्स आप ले सकते हो। किशू इनू सबके पास है आज के टाइम में, और डॉज इलोन मार्क्स भी आप कंसीडर कर सकते हैं। बाकी आपकी रिसर्च जरूरी है, पहले आप रिसर्च करें दोनों कॉइन्स के ऊपर, तभी आप इन दोनों कॉइन्स को ऐड करें। तो यही कुछ चीज़ें थी, ये दोनों कॉइन्स भी लिस्ट हो सकते हैं हुआबी ग्लोबल पे। आपको क्या लगता है लिस्टिंग होगी या नहीं होगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन ज़रूर कर लेना। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।